स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, चलिए आज बताती हूँ नारियल का लड्डू बनाने का तरीका, कैसे बनाएंगे हम। और इसे फास्टिंग में भी आप खा सकते हैं या ऐसे भी आपको कभी मीठा खाने का मन हो तो इसे बना लीजिए झटपट। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे इसे, क्या क्या चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, इन एक कटोरी से हमने 3 कटोरी नारियल का बुरादा ले लिया है, 1 कटोरी चीनी और 1 चम्मच बटर हमने लिया है, और ये ड्राई फ्रूट है, और ये है इलायची, इसका पाउडर बनाएंगे, और 1 कटोरी हमने लिया है दूध। और आप बटर की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं, तो घी ज़्यादा नहीं चाहिए, बटर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 चम्मच हमें चाहिए। तो एक पैन हमने गरम किया है, कढ़ाई, और उसमें हमने बटर को डाल दिया है, और गरम होने के बाद मैं इसमें बुरादा ऐड कर रही हूँ नारियल का, और इसे भून लूँगी मैं। तो नारियल का बुरादा हमें 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना इसे, नहीं तो ये जल जाएगा, और हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं और ये भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने जो 1 कटोरी मिल्क लिया है उसे ऐड कर दूँगी, और ध्यान रखना है कि 3 कटोरी में हमें 1 कटोरी मिल्क डालना है। यदि आपको थोड़ा कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, बट 1 कटोरी परफेक्ट है। तो आप इसमें मैं मिल्क को ऐड कर दे रही हूँ, और इसे भी इसमें मिक्स करते हुए चलाऊंगी, और आप देख सकते हैं ये अच्छा से हमने मिक्स कर लिया है दूध में नारियल को। अब उसके बाद से इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी, और चीनी को ऐड करने के बाद भी इसे फिर हम भूनेंगे, और ये 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना होगा। चीनी डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए, इसे चलाते हुए पकाएंगे, और चीनी जब लिक्विड भी छोड़ता है, तो लिक्विड जब इसका सूख जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ने लग गया है अब नारियल, तो ये भून चुका है, और चीनी का जो लिक्विड फॉर्म है वो भी सूख हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे, और ये अच्छा से भून चुका है। तो अब एक प्लेट लूँगी और उसमें इस पेस्ट को हम निकाल देंगे, और उसे ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, और इसमें मैं उतारने से पहले इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे भी मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसे एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जब तक हाथ में सहन होने लग जाए तो उतना ठंडा करना है। तो ये ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा सा घी हाथ में लगा के और इसका हम लड्डू बनाएंगे, और लड्डू का साइज आप अपने पसंद से रख सकते हैं। तो हमने इस साइज का लड्डू बनाया है, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से हमें बनाना है, और हाथ से थोड़ा इस तरीके से करने के बाद ये बिल्कुल गोल हो गया है। तो लड्डू बनाने के बाद मैं थोड़ा सा नारियल के बुरादे में इस तरीके से डस्टिंग कर दूंगी, और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर से कोई सा भी आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले करके और इस पर ऐसे प्रेस कर देंगे, और फिर ये तैयार है लड्डू। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू को बना लेना है, और एक और बना के दिखाती हूँ आपको। एक तो बादाम से हमने किया है, और दूसरा मैं किशमिश से करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले लीजिए, और इस तरीके से इस पर प्रेस कर दीजिए, तो ये तैयार है दोनों लड्डू। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू को बना लिया है मैंने, आप देख सकते हैं, और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बना है, आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और खाने में तो और टेस्टी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।